नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। NWI की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हाँ, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। राजीव त्यागी का तबादला हुआ है। एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है। करप्शन पर पूरी तरह से एक्शन योगी सरकार ले रही है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण से बड़ी खबर सामने आ रही है, कई अफसरों पर गाज गिर सकती है। बड़ी जानकारी, नोएडा अथॉरिटी के महाप्रबंधक राजीव त्यागी का तबादला हो गया है। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले ही नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार में निर्माणधीन दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी और कई मजदूर दब गए थे, जिसके बाद लगातार राजीव त्यागी पर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद समझ आ रहा है और नजर आ रहा है कि वाकई योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और आगे कई और जो अधिकारी हैं वो नख सकते हैं। नोएडा प्राधिकरण से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राधिकरण के प्रधान महाप्रबंधक राजीव त्यागी का तबादला हुआ। बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया की खबर का ये बड़ा असर है। योगी सरकार का ये एक्शन उस कार्रवाई से जुड़ा है जिसमें हाल ही में 20 सितंबर को एक बड़ा हादसा हो गया था। यह हादसा नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार में हुआ, जिसमें एक निर्माणधीन दीवार गिर गई थी और इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा था। तब भी न्यूज़ वन इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी और सवाल उठाए थे, इस मुद्दे को उठाया था। और सवालों में प्रधान महाप्रबंधक राजीव त्यागी को ही कटघरे में खड़ा किया था। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद था और राजीव त्यागी पर अब एक्शन लिया गया है। तमाम सवाल उठाए गए थे क्योंकि बताया ये जा रहा था कि जब ये पूरा टेंडर पास हुआ तो इन्हीं की नजरों के नीचे से टेंडर पास हुआ था, इन्होंने ही टेंडर पास करवाया था। तो ऐसे में हर कोई सवाल कर रहा था कि आखिर ये टेंडर पास क्यों हुआ, क्योंकि बरसात का मौसम था। साथ ही साथ जिस नाले का निर्माण हो रहा था, इस निर्माणधीन दीवार के पास, वो आखिर क्यों करवाई गई, क्योंकि वहां की जो जमीन थी वो पूरी तरह से दलदली हो गई थी। बड़ा हादसा हो सकता था और हुआ वही, जिस चीज का डर था वही हुआ। नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार से जुड़ा यह पूरा मामला है जिसको लेकर अब एक्शन लिया गया है। नोएडा अथॉरिटी के महाप्रबंधक राजीव त्यागी पर ही एक्शन लिया गया। आपको एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब यह हादसा हुआ। जलवायु विहार में नाली की सफाई हो रही थी और नई नाली का निर्माण हो रहा था, उसी के पास ये दीवार थी और अचानक ये दीवार गिर गई, जिसमें कई मजदूर दब गए थे, 4 की मौत हो गई थी और कई घायल थे। कुल 12 मजदूर काम कर रहे थे। इस हादसे में 4 मजदूरों की जान चली गई। अब जानकारी मिल रही है कि ये तबादला उसी कार्रवाई का एक रूप है और आगे और भी तबादले हो सकते हैं और भी अधिकारियों पर एक्शन लिए जा सकते हैं। महाप्रबंधक राजीव त्यागी को तत्काल प्रभाव से प्रधान महाप्रबंधक के पद पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अटैच कर दिया है। और ये आदेश जारी हुआ है तबादले का। अब उम्मीद है कि इस पर निष्पक्ष जांच जल्द से जल्द होगी। ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो आदेश है जो जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के अनुसचिव रजनीकांत पांडे की ओर से जारी है शासनादेश, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। राजीव त्यागी, प्रधान महाप्रबंधक को निर्देश दिया गया कि वो अपनी नई तैनाती की जगह पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर सूचना शासन को भेजे। वही खबर यह भी आ रही है कि कई और नोएडा अथॉरिटी के अफसर भी इस वक्त योगी सरकार की रडार पर नजर आ रहे हैं और आगे उन पर भी जल्द एक्शन हो सकता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।